नमस्कार मैं हूँ गुंजिंग ग्रोवर और आज म्यूचुअल फंड रिव्यू सीरीज में हम एक्सेस म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड को रिव्यू करेंगे जो नवंबर 2013 से शुरू हुआ इसका नाम है एक्सेस स्मॉल कैप फंड इसके दोनों रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन को एक साथ स्टार्ट किया गया था ये फंड ज्वाइंटली मैनेज करते हैं मिस्टर अनुपम तिवारी और मिस्टर हितेश दास जो फंड की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं

लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना इसमें स्टॉक का सिलेक्शन बॉटम अप अप्रोच से किया जाता है और उस अप्रोच का फोकस इंडिविजुअल कंपनीज के एप्रिसिएशन पोटेंशियल पर होता है इसमें एएमसी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए फेयर वैल्यू बेस्ड रिसर्च प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं इसके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स सिलेक्टेड हैं जिन कंपनीज का रोबस्ट बिजनेस मॉडल है और जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में पोर्टफोलियो बनाते टाइम इन स्मॉल कंपनी से रिलेटेड रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है जैसे कि क्वालिटी प्राइस लिक्विडिटी वॉलिटिलिटी और इवेंट रिस्क और अब बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की स्मॉल कैप फंड मेनली स्मॉल साइज कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करती है सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड को मिनिमम उनके एसेट्स का 65 परसेंट स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में ही करना होता है Fund को डिफरेंट मार्केट में इसकी कैश होल्डिंग को मैनेज करने के लिए ही जाना जाता है इन्वेस्ट कर रखा था और जैसे ही मार्केट की कंडीशन खराब हुई इस होल्डिंग बढ़ाकर 18 परसेंट कर दी वही जून 2022 की एंडिंग में फंड की कैश होल्डिंग ट्वेंटी के आसपास थी फिर साल के दूसरे हाफ की स्टार्टिंग से फंड ने दोबारा इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बट फिर भी जियो क्राइसिस, के पहले से करें तो इस फंड की इक्विटी होल्डिंग कम हुई है और अब बात करते हैं फंड ओवरव्यू की एक्सेस स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी के सबसे बड़े फंड में से एक है एक साल में पॉइंट टाइम्स पोर्टफोलियो टर्न रेशियो के साथ हम ये कर सकते हैं कि यह पूरे साल कंसिस्टेंट रहा है

तो फंड मैनेजर के लिए कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न देना काफी चैलेंजिंग हो जाता है इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो फंड स्कीम के पोर्टफोलियो को जरूर देख लें एक्सिस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में अराउंड 74 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज नेट फंड्स एसेट के अराउंड 35 परसेंट है ये दो फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि फंड का पोर्टफोलियो काफी वेल well डाइवर्सिफाइड है अगर आप फंड का पोर्टफोलियो पूरे 2022 के बेसिस पर नोटिस करोगे तो यह पता चलेगा कि इसके टॉप टेन स्टॉक्स ऑलमोस्ट सेम रहे हैं सिर्फ उनकी वेटेज चेंज हुई है और वो भी जस्ट मार्केट कंडीशन के चेंजेस को सूट करने के लिए ये इंडिकेट करता है कि फंड कंपनीज को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है वहीं लो पोर्टफोलियो टर्नओवर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो स्टॉक्स को बाय या सेल करने की वजह से होती है उसे भी कम करने में हेल्प करती है और अब बात करते हैं कि फंड का कितना पोर्शन किस सेक्शन में एलोकेटेड है टॉप टेन सेक्टर्स का हिस्सा नेट एसेट ऑफ फंड का अराउंड सेवेंटी है पूरे 2022 में सबसे ज्यादा वेटेज केमिकल सेक्टर को दी गई थी विच इज 14.21 पॉइंट परसेंट टू की स्टार्टिंग में केमिकल्स के अलावा आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फंड के टॉप थ्री सेक्टर थे बट बाद में फंड मैनेजर ने आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वेटेज धीरे धीरे कम कर दी जिसकी वजह से वो टॉप थ्री सेक्टर से बाहर हो गए और इनकी जगह हेल्थ केयर सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर आ गए विद टेन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट एंड नाइन पॉइंट थ्री फाइव परसेंट शेयर रिस्पेक्टिवली और अब बात करते हैं स्कीम के रिस्कोमीटर की स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करें तो ये फंड प्रोडोमेंटली स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं इन्वेस्टर्स को रिस्क के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए और चलिए अब इसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है इस फंड के स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये फैक्टर्स कैसे हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस में लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ फंड फ्रॉम जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लास्ट थ्री इय में एक्सिस स्मॉल कैप फंडी थ्री पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट की सीएजीआर जनरेट किया है फंड की शुरुआत से ही इसकी एनअलाइज रिटर्न 23.7 परसेंट रही है अकेले रिटर्न ही फंड की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए काफी नहीं है उसके लिए हमें फंड्स को बेंचमार्क और पीएर ग्रुप से भी कंपेयर करना होगा फिर हम इसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं फंड्स की रिलेटिव परफॉर्मेंस डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसी रही यह डिसाइड करना मुश्किल है कि इन्वेस्टर को एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड्स किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जब हम इस फंड को देखते हैं तो हमें यह हेल्प करता है एक्टिवली मैनेज फंड्स की ट्रू वैल्यूएशन जनरेशन को अंडरस्टैंड करने में अगर हम लास्ट वन ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो फोर रिटर्न दिखेगी पर आपको यह लगेगा कि इसने इनाफ फंड जनरेट नहीं किए पिछले एक साल में बट जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप बेंचमार्क से विच केव माइनस टू पॉइंट सिक्स फोर परसेंट रिटर्न तो ऑलमोस्ट सेवन परसेंट वैल्यू एडिशन नजर आएगी फंड मैनेजर की तरफ से यह डिफरेंस सिर्फ लास्ट वन ईयर का ही नहीं है फंड ने फंडचमार्क को ओवर वन थ्री और फाइव ईयर्स में आउट परफॉर्म किया है अगर हम देखें रिटर्न को जब से ये स्टार्ट हुआ है तो डिफरेंस बेंचमार्क रिटर्न और फंड रिटर्न में अराउंड सिक्स परसेंट का है ये सिक्स परसेंट रिटर्न नाइन ईयर्स में नवंबर टू थाउजेंड थर्टीन से अगर स्टार्ट होकर है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रुपीज टेन थाउजेंड इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप टू फिफ्टी टी आर आई में तो वो ग्रो होकर फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी हो जाता और सेम टाइम पर जो टेन थाउजेंड रुपीज आप इन्वेस्ट करते

जब पांच साल के रिटर्न देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेस्ट परफॉर्मर रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में वहीं अगर हम लास्ट थ्री ईयर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो इसकी रैंक काफी गिर गई है ऑलमोस्ट बॉटम क्वार्टाइल तक वहीं अगर हम वन ईयर के रिटर्न के बेसिस पर फंड्स पर देखें तो उसने फंड ने पुल बैक किया है इसकी रैंक नंबर नाइन हो गई जो इंडिकेट करता है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है और चलिए बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की ज्यादातर हम लोग बस ये देख कर रुक जाते हैं कि फंड ने कितनी रिटर्न जनरेट की है और हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी इसी पर बेस्ड करते हैं बट इसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और फंड के पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड में रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड एवियेशन की स्टैंडर्ड एवियशन मतलब फंड के पोर्टफोलियो से टोटल कितना रिस्क अराइज होगा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है इस फंड की स्टैंडर्डियशन ट्वेंटी सेवन है बीटा वो रेशियो है जो फंड के रिस्क को बेंचमार्क के रिस्क से कंपेयर करता है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यह माना जाता है कि अगर बीटा वन से कम है तो यह मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है और इस फंड का बीटा 0.77 है जो ये इंडिकेट करता है कि फंड काफी लेस वॉलेटाइल है मार्केट के कंपैरिजन में शार्प प्रेशर फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करता है सिंपल टर्म्स में बात करें तो हमें ये इंडिकेट करता है कि हर एक रिस्क यूनिट पर हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं इस फंड के केस में यह पॉजिटिव पॉइंट सिक्स नाइन टाइम्स है जो ये इंडिकेट करता है कि इस फंड के हर एक रिस्क यूनिट पर हम पॉइंट सिक्स टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है लॉन्ग टर्म में फंड ने इसके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है एक कंसिस्टेंट और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसका पोर्टफोलियो टर्न ओवर रेशियो भी कम है वो इस फंड का हॉलमार्क है ये फंड आइडली उनको सूट करेगा जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है हम आपको बता दें कि हम कोई भी फंड या स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ऑन दैट नोट हिस्स मी गुंजन ग्रोवर साइनिंग ऑफ बाय टेक केयर कीप काम एंड इन्वेस्ट ऑन Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.